शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस शहर के कोविड केयर सेंटर में शनिवार को ईद उल अजहा के मौके पर स्थानीय फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से कोविड केयर में रह रहे मरीजों के लिए स्वादिष्ट खाने के पैकेट वितरित किए गए। ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के मौके पर दिग्रस के फ्रेंड्स ग्रुप ने आगे आते हुए कोविड 19 के संदिग्ध मरीजों को स्वादिष्ट खाने के पैकेट्स वितरित किए। दिग्रस के ईसापुर से सटे कोविड केयर सेंटर में फ्रेंड्स ग्रुप ने यह इंतजाम किया। इस दौरान मोहम्मद शारिक गारवे, परवेज इसराइल पठान, रशीद वर्षानी, समीर गोंडिल, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद तौसिफ, उमर अहमद, अजहर पटेल आदि ग्रुप सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर फ्रेंड्स ग्रुप के मोहम्मद शारिक गारवे ने इस आयोजन के संदर्भ में एनबीसीएन को जानकारी दी। ईद के दिन के मुबारक मौके पे हमने क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव पेशेंट है उन सबको खाने का एक यहाँ पे मैनेजमेंट किया हुआ है, और ये हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में 10-11 लोग हैं जो इस चीज़ों को अंजाम देते हैं, काम करते हैं इसके बारे में। और मैं सभी लोगों से ये भी विनती करूँगा कि जो भी दिग्रसवासी है वो सब ये चीज़ों को कोऑपरेट करें और शासन को और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट करने वाले इनको। ईद उल अजहा के पवित्र अवसर पर फ्रेंड्स ग्रुप ने अपनों से दूर कोविड केयर केंद्र में रह रहे कोरोना संदिग्धों को खाने के पैकेट्स बांटकर अपनेपन का एहसास दिलाया है। फ्रेंड्स ग्रुप की इस पहल की हर स्तर पर प्रशंसा की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।